तो भाई पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन पर, जो कि बहुत ही साफ और सुथरा है। उसके बाद भाई यहाँ पर एंट्री करवानी पड़ती है अंदर रेलवे स्टेशन के बाहर जाने के लिए। भाई चेक करते हैं भाई किन किन टिकट खरीदा, किन्होंने नहीं खरीदा। फिर जो हमें मिल गया भाई पास मिल गया हमें अंदर जाने का, फिर दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे मिल गया कार्ड के रूप में। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत ही भाई ज़बरदस्त है और पहाड़। तो भाई पब्लिक भी यहाँ पर बहुत भाई आज दर्शन के लिए आए हैं, और ये हमारा एंट्री है, मतलब दरबार में जाने का पहला स्टेप। यहाँ पर बैग चेक होते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं, फिर आ जाते हैं जी चलते चलते बाल गंगा, यहाँ पर नहा के फिर यात्रा शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर नहा के यात्रा शुरू करने के बाद भी रास्ते में मंदिर मिलता है भाई हमें, जो कि रास्ते में मंदिर बहुत सारे ऐसे बने होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया मंदिर है, यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद दोस्तों फिर हमें आ जाता है चरण पादुका, जो कि थोड़ी दूर पे था, और फिर हम चलते चलते आगे चरण पादुका मंदिर पे, फिर यहाँ के भी दर्शन करते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त मंदिर है भाई, यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ थी। ठीक है दोस्तों, तो भाई मैं आपको यहाँ का सिटी व्यू दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही भाई शानदार है। और भाई अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। फिर चलते चलते भाई कई लोग घोड़े से कच्चे हो जाते हैं, पर हम तो भाई पैदल गए अपनी यात्रा को, या पैदल ही जाते हैं, जब भी जाते हैं पैदल जाते हैं। और भाई जो नहीं चढ़ पाते भाई घोड़े का सहारा लेते हैं, खच्चर होते हैं उनसे जाते हैं, पर भाई हम तो भाई पैदल गए, और पैदल चलने में जो मज़ा है भाई वो कहीं नहीं है। चलते चलते भाई पैदल चलना पड़ता भाई, बंदर वैष्णो देवी में तो भाई बंदर बहुत ही ज़्यादा है भाई, और आदि कुमारी आने वाला ही है, बस आदि कुमारी के रास्ते में पहुंचने वाली है, मतलब आदि कुमारी में हम। और यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही मतलब मस्त जन्नत है, मतलब आसमान में पहुँच जाते हैं मतलब वहाँ पहुँचने के बाद। और यहाँ देखो कितनी पब्लिक है भाई, कितनी पब्लिक है, यहाँ के दर्शन करने के लिए पहले पर्ची कटवानी पड़ती है, और 2-3 दिन के बाद आता नंबर। फिर भाई भवन जाने का रास्ता, भवन में जाने का रास्ता आ जाता है, गुफा से जाते हैं भवन में, और यहाँ पर बहुत पब्लिक बैठी हुई है, आराम कर रही है, जो कि आज चढ़ाई चढ़ के आए हैं। तो भाई आप निकल चुके हैं भाई गुफा से, और अब चलते चलते जाएंगे भवन, माता के भवन, और दर्शन करेंगे वहाँ का। तो भाई यहाँ का देख लो दस कितना श्रद्धा है भक्तों में, पैदल जाते मतलब लेट के कितना टाइम लग गया होगा। तो फाइनली भाई भवन दिखने लगा है हमें, यहाँ से अभी कम से कम 3 किलोमीटर रह गया था, और यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ था। और भाई फाइनली भाई हम पहुँचने वाले हैं भाई भवन में, भाई फाइनली भवन में पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही देर बाद। तो भाई आ गया भाई हमारा भवन, अब जी यहाँ से दर्शन करेंगे, और पहले तो नहाएंगे फिर दर्शन करेंगे, फिर भाई जाएंगे भैरव बाबा पे। तो भाई स्नान कर लिया भाई, नहा लिया है ठंडे ठंडे पानी। तो भाई रात का नज़ारा देख सकते हैं कितना शानदार होता है माता के भवन का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाएंगे हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए, लाइन में लग गए हैं, जो कि यहाँ पर एक बंदर ने भक्तों का प्रसाद छीन लिया और खा रहा है। और भाई अब दर्शन करके वापस आ गए, और यहाँ पर रुके भाई भैरव बाबा के वहाँ पर स्थान के पास में बना हुआ है यहाँ पर, जो कि बहुत ही पब्लिक है यहाँ पर भाई, बहुत ही पब्लिक है।